वेलकम ऑन इन्फॉर्मेशन कलेक्शन चैनल, मैं राकेश कुमार। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगा टाटा स्काई डीटीएच के बारे में और बताऊंगा दोस्तों कि टाटा स्काई डीटीएच के प्लेटफॉर्म पे लगभग 23 चैनल का एलसीएन में बदलाव होने जा रहा है। पूरी जानकारी के लिए बने रहे इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन में भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और डिटेल में बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों बता दूँ, टाटा स्काई डीटीएच की तरफ से एक अपडेट आ रही है जिसमें बताया जा रहा है तमिल के बाद अब मराठी जेनर के चैनलों की बारी आ गई है, यानी कि मराठी जेनर के लगभग 23 चैनल का एलसीएन टाटा स्काई में बदलाव होने जा रहा है। कौन कौन से चैनल है, किस एलसीएन पे जाएगा, उसके बारे में भी बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी टाटा स्काई डीटीएच के प्लेटफॉर्म में इंग्लिश इंटरटेनमेंट, फिर स्पोर्ट्स के चैनल में हुआ, फिर तमिल के चैनल में हुआ, अब हो रहा है मराठी। मराठी के 23 चैनल का एलसीएन आपको 14 सितंबर को 13 चैनल का एलसीएन चेंज होगा और 15 सितंबर को 10 चैनल का एलसीएन चेंज होने वाला है। कौन कौन से चैनल है आगे क्लिप में मैं ऐड करता हूँ और एक एक चैनल का भी नाम बता दूंगा कौन कौन से चैनल का आपका एलसीएन बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं 14 सितंबर में कोई 13 चैनलों के एलसीएन में बदलाव होने जा रहा है। सबसे पहला जो चैनल है दोस्तों, कलर्स मराठी एचडी है, जो कि 1203 से 1201 नंबर पर होगा। कलर्स मराठी है 1204 से 1202 पे होगा। जी मराठी एचडी है 1207 से 1203 नंबर पे चला जाएगा। जी मराठी स्टैंडर्ड डेफिनेशन स्टार परवा एचडी, स्टार परवा चैनल है, एबीपी माजा है, न्यूज 18 लोकमत है, G24 तास है, जी युवा है, जी टाकिज एचडी है, जी टाकिज स्टैंडर्ड डेफिनेशन, TV9 मराठी। ये दोस्तों देख सकते हैं 13 चैनल है जिनके ओल्ड ईपीजी अभी जो आपको नंबर आपके सामने दिख रहा होगा ये सभी पुराने नंबर पर देखने को मिल रहा है, लेकिन 14 सितंबर से न्यू ईपीजी जो लिखा हुआ है वहाँ पे आपको 14 सितंबर से देखने को मिलने वाला है। यानी कि 13 इस चैनल 14 तारीख को 13 चैनलों में बदलाव होगा। उसके बाद दोस्तों अगला जो बदलाव होने वाला है वो 15 सितंबर को होगा, जिसमें आपको उसमें भी 10 चैनल का नाम सामने आया है। तो जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, इसमें स्टैंडर्ड डेफिनेशन और हाई डेफिनेशन दोनों कैटेगरी के चैनल थे। अब दोस्तों बात करता हूँ जो 15 अगस्त का चैनल बदलाव होने जा रहा है, जिसमें सोनी मराठी है, साम टीवी है, 9X झकास है, जय महाराष्ट्र है, संगीत भोजपुरी है, फक्त मराठी है, सेमारो मराठी बाना है, एम न्यूज है, लोकशाही है, डीडी सहयद्री है। ये सभी एफटीए चैनल्स हैं जिनके चैनलों में बदलाव होने जा रहा है। सोनी मराठी 1213 नंबर पर देखने को मिलेगा, साम टीवी 1222 से 1261 नंबर पर, 9X झकास 1223 से 1276 नंबर पर चला जाएगा, जय महाराष्ट्र 1224 से 1262 नंबर पर, संगीत मराठी 1277 पे, फक्त मराठी 1220 पे, सेमारो मराठी बाना 1231 नंबर पर चला जाएगा, एम न्यूज 1264, लोकशाही 1265 और डीडी सहयद्री 1274 नंबर पर देखने को आपको मिल वाला है। ये टोटल 23 चैनल है जो कि 13 और 14 और 15 तारीख को एलसीएन में बदलाव होने जा रहा है। तो दोस्तों, ये टोटल 23 चैनल्स में बदलाव हो जाएगा, नए ईपीजी नंबर पे आपको देखने को मिलेगा। तो ये अपडेट आ रहा था दोस्तों। होप सो गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन पे भी आप क्लिक कर लीजिए ताकि हर वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, थैंक्स लॉट।